नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल कृष्णा एकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी क्लॉक को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अभी हमने चार लेक्चर ले चुके हैं। हम इसके अंदर बात करें, पहले एक बार छोटा सा एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं हम कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने बात करी है, सबसे पहले हमने बात करी थी 0 डिग्री की, अतिव्यापन की। अतिव्यापन के रिगार्डिंग, अतिव्यापन के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको काफ़ी सारी बातें इसमें बताई हैं कि 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी, 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। दूसरी बात आपने क्या देखी थी कि 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है और हर 65 से ही 5/11 मिनट के अंदर आपका अतिव्यापन देखने को मिलता है। इसी तरह से आपने 180 डिग्री के रिगार्डिंग भी यही बात देखी थी कि 180 डिग्री में 12 घंटे में 11 बार होता है और हर 65 से ही 5/11 मिनट में, हर 65 से ही 5/11 मिनट में आपको 180 डिग्री देखने को मिलता है। बात करें 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इसके रिगार्डिंग आपने क्या देखा था कि 12 घंटे में ये कितनी बार होता है, ये 12 घंटे में होता है 22 बार। और ये कितना टाइम था, हर 32 से ही 8/11 मिनट के अंतराल में आपको एक समकोण देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कोण निकालना। तो कोण निकालने के लिए मैंने आपको दो टेक्निक सिखाई थी, या तो आप घड़ी को देखकर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आपको एक फार्मूला भी बताया था मैंने। वो फार्मूला क्या था, एंगल निकालने का, कोण निकालने का, 1/2 60 into h और 11 into m। ठीक है जी, इन दोनों का हमें क्या लेना होता था, मोड लेना होता था। मोड का मतलब हमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण से मतलब होता था, परिमाण। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती थी और इस तरह से हम एंगल निकालते थे। ये बात हमने करी थी। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने बात करी थी मीटिंग टाइम प्रॉब्लम। मीटिंग टाइम प्रॉब्लम का मतलब कि 0 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल के बारे में मैंने आपको जो बात बताई थी वो क्या था कि घड़ी के अंदर दो तरह के हैंड जिनके हम स्टडी कर रहे हैं, आर हैंड और मिनट हैंड। तो आर हैंड और मिनट हैंड की जो स्पीड है, घंटे की सुई की स्पीड होती है 0.5 डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड यानी कि मिनट की सुई की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। और दोनों समान दिशा में चलती है, तो जो रिलेटिव स्पीड बनती है वो कितना बनती है, 6 - 0.5 = 5.5 डिग्री पर मिनट। ये थी रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल मिनट हैंड और आर हैंड की, यानी कि मिनट की सुई व घंटे की सुई की। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 0 डिग्री का कोण यानी केस फर्स्ट था हमारा, अतिव्यापन कितनी बजे होगा, किसी भी समय अंतराल के अंदर अतिव्यापन कितनी बजे होगा। तो आपको मैंने उसका क्या टेक्निक समझाया था, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी समय अंतराल दिया गया है उस समय अंतराल के बीच में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 2 के बीच में, अगर आपको ये देखना है कि अतिव्यापन कितनी बजे होगा, तो आपको करना क्या होता था, ये जो शुरुआत वाला समय है ये लेना होता है और इस 1 बजे पर कितना एंगल होगा उस एंगल को फाइंड करना होता है, उस कोण को फाइंड करना होता है। तो वो कोण कैसे निकालते हो कि जो भी आपको 1 बजे 2 बजे 3 बजे इस समय पर अगर आपको कोण निकालना है, तो उस समय को बस आपको 30 से गुणा करना है तो वो आपको कोण पता चल जाएगा। 1 बजे मिनट हैंड और आर हैंड यानी कि मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। इसके बाद में आपको वो समय निकालने के लिए क्या करना होता था, आपको समय निकालने के लिए गैप यानी कि ये जो अंतराल आया 30, इसका 2 * 11 यही करते थे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या बनती, 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 11/2। और मैंने आपको समझाया था कि समय निकालने का तरीका क्या होता है, अंतराल डिवाइड बाय सापेक्ष चाल यानी कि गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ये गैप हो गया, रिलेटिव स्पीड यानी कि 11/2 का भाग लगाओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11/2 यानी कि जैसे यहाँ 30 था तो 30 का 2 * 11, 60/11 यानी 5 से ही 5/11। तो आपको ये चीज़ मैंने अच्छे से समझाई थी कि आप
जीरो डिग्री का कोण किसी भी समय अंतराल पे किसी भी गैप में किस तरह से निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, उस शुरुआत वाले समय को 30 से गुणा करना है और उसका डबल डिवाइड बाय 11 करना है, वो आपको मिनट बता देगा। और उस समय को किसके साथ में रखना है, जो शुरुआती समय था उसके साथ में रख देंगे, तो 1:05 से ही 5:11 मिनट पर आप 0 डिग्री का कोण मिलेगा। इस प्रकार मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल कराए थे जो कि आप वर्बली यानी कि केवल मुँह जबानी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने बात करी थी 180 डिग्री के रिगार्डिंग। तो 180 डिग्री के रिगार्डिंग हमने क्या बात करी थी कि 180 डिग्री के रिगार्डिंग दो केस बनते हैं। पहला केस ये था कि जो दिया गया कोण है वो आपका 180 डिग्री से कम हो। जैसे 1 बजे या 2 बजे अगर इन समय अंतराल को लेते हैं तो 2 बजे जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो 2 को 30 से गुणा किया तो कितना बना, 60 डिग्री। 60 डिग्री जो कि 180 डिग्री से कम है। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया था, आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी, अब मैं उसी के ऊपर आता हूँ। हमने क्या बात करी थी 180 डिग्री के रिगार्डिंग कि 180 डिग्री का अगर हमें देखना है तो केस फर्स्ट था हमारा 1 से 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बजे मिलेगा, 1 बजे का एंगल कितना होगा, 1:30, ये 30 डिग्री का कोण आ रहा है। अब मैंने आपको यहाँ से ये चीज़ समझाई थी, देखिए ये जो रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ इसका उद्देश्य केवल इतना सा है, क्योंकि जब इसको हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि इसे 2 या 3 बार में इसे समझाऊँ। पर चूंकि ये वीडियो है तो हम यहाँ पर इतनी चीज़ तो समझ सकते हैं कि आप इसे वीडियो को वापस चला कर देख सकते हैं, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उसको मैं एक छोटे से क्विक रिवीजन टाइप में यानी कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको उसको रिवाइज कर दूँ, ताकि जितना भी अपने 4 वीडियो के अंदर पढ़ा है वो एक बार वापस आपको क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए, तो इस वीडियो से आप कनेक्ट हो सकें। ठीक है, 1:30 तो 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का जो समय है हम क्या करते हैं, अब यहाँ से बात उठती है केस फर्स्ट क्या था कि अगर आपका दिया गया कोण यानी कि ये जो गैप अंतराल आ रहा है ये 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। अगर ये 180 डिग्री से कम होगा तो मैंने आपको समझाया था कि 180 डिग्री कैसे मिलेगा, कि आप 30 से 0 तक जाएंगे और 0 से 180 डिग्री तक जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल गैप कितना कवर होगा, टोटल गैप कवर होगा 180, 30 से 0, 0 से 180 यानी कि कितना, 210 डिग्री का गैप कवर होगा। ये 210 डिग्री का गैप कवर होगा, तो अब आपको करना क्या होता है, आपको जो भी टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का तरीका क्या रहेगा, समय निकालने का तरीका क्या रहेगा, इसको जस्ट डबल करना है यानी कि दुगना करके और 11 का भाग लगाना है। तो 210 का डबल कितना हुआ, 420/11, और इस समय को किसके साथ में रखना है, 1 बजे के साथ में, तो मतलब 1:420/11 मिनट पर आपको 180 डिग्री का कोण बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है बात। दूसरा केस आपको मैंने ये समझाया था कि अगर दिया गया कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उसका एग्जाम्पल जैसे 7 से 8, तो 7 बजे अब आप एंगल निकालेंगे तो 7:30 कितना हुआ, 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर आपका बनने वाला कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तब 210 डिग्री, जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, 210 डिग्री जो एग्जाम्पल लिया वो कब बनेगा, वो बनेगा जब आप 7 से 8 बजे के बीच में कोण ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा कि 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। अगर देखें 210 डिग्री 7 से 8, तो 7 बजे एंगल कितना होगा, 7 बजे एंगल होगा 7:30 210 डिग्री। अब चूंकि कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है तो 210 डिग्री से आप 0 की तरफ जाओगे तो 180 डिग्री आज आपको पहले ही मिल जाएगा। ये क्या कहने का मतलब क्या है, देखिए जब अंतराल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में बात करें तो शुरुआती कोण कितना है, 210 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है मिनट हैंड यहाँ पर बैठा है 12 पर और आवर हैंड यहाँ पर बैठा है और ये मान लीजिए 210 डिग्री का कोण है, अब हमें ये बात पता है कि दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ये मिनट हैंड और ये आर हैंड, ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी 5.5 डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड तेज चलेगा और आर हैंड स्लो चलेगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अंतराल है 210 डिग्री का ये धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, हाँ या ना। तो जब 210 डिग्री का अंतराल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, 210, 209, 208 इस तरह से कम होते होते बीच में एक ऐसा समय भी आएगा जब वो 180 डिग्री का अंतराल बनाए और वो अंतराल 0 डिग्री के अंतराल से पहले ही मिल जाएगा। तो आज क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री का कोण 0 डिग्री से पहले ही मिल गया है। तो यहाँ पर गैप कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर जब समान दिशा में 0 के दोनों एक ही तरफ हैं
जब जीरो के एक इधर होता है एक इधर होता है तो हम क्या करते हैं, जो गैप अंतराल आता है उन्हें ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। पर अगर दोनों जीरो के एक ही तरफ है तो हम उन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो अंतर कितना आया, 30 डिग्री का। और हमें करना क्या है, आगे का काम सिंपल है कि टाइम जो भी निकालना है वो क्या होगा, 30 का डबल डिवाइड बाय 11। तो 30 का डबल 60/11 यानी 5/5/11। तो 7:05/11 मिनट पर आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। ये था अपना पूरा जो अपन ने अभी तक 4-5 वीडियो में पढ़ा था वो मैंने पूरा रिवाइज कर दिया है इस 10 मिनट में। अब बात करें इस 180 डिग्री के कोण को अगर मैं अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कोशिश करते हैं। 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा, 3 बजे एंगल कितना, तो 3 × 30 90। अब हमें पता है ये 90 डिग्री 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो 90 से 0 और 0 से 180 डिग्री तक चलना पड़ेगा। 90 से 0 और 0 से 180 डिग्री टोटल डिस्टेंस या टोटल गैप कितना होगा, तो 90, क्योंकि एक 0 के इधर है एक 0 के इधर है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 90 + 180 कितना हुआ, 270 डिग्री। 270 डिग्री का हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो 270 डिग्री का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, और 540 डिग्री डिवाइड बाय 11 तो कितना समय आएगा। आपने क्या देखा कि 270 का डबल किया 540/11 और समय कितना था, 3। तो यानी 3:540/11 मिनट, इतनी बजे आपको 180 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको समय बता देगा एग्जैक्ट। क्लियर है बात। और लेते हैं एक समय, जैसे मैंने बोला 8 से 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा, तो 8 बजे एंगल कितना, तो 8 को 30 से गुणा किया 240 डिग्री। अब 240 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और 180 डिग्री से बड़ा है तो हमें पता है कि 240 से 0 की तरफ चलते समय 180 डिग्री पहले ही मिल जाएगा। चूंकि दोनों 0 के एक ही तरफ हैं तो अंतराल कितना होगा, 240 - 180, तो कितना डिग्री का अंतराल आया, 60 डिग्री का। हमें क्या करना है, 60 का डबल डिवाइड बाय 11 यानी 120/11। तो 8:120/11 पर आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। कितना था, 8:120/11, ठीक है जी। और 120/11 को आप क्या लिख सकते हो, 10 से 10/11। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 6 बजे आपको 180 डिग्री मिल रहा था, उसके 65/5/11 मिनट बाद में यानी कि 7:05/5/11 मिनट पर दूसरा 180 डिग्री अभी आपको मैंने बताया। और अभी तीसरा जो समय निकाला वो भी देखिए 65/5/11 मिनट के बाद में, अगर इसमें 65/5/11 मिनट ऐड करोगे तो ये बनेगा 8:10/10/11 मिनट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री की जो ये प्रक्रिया है यह भी हर 65/5/11 मिनट के अंतराल में मिलती है। और 180 डिग्री का कोण भी आप अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं, आपको पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम हमारे केस थर्ड के पास में, जो कि है 90 डिग्री के रिगार्डिंग या समकोण के रिगार्डिंग। समकोण की बात करें तो हमें पता है समकोण के बारे में कि समकोण जो है वो हर एक घंटे में 2 बार मिलता है, पर 3 से 4 के बीच में, या फिर हम कहें कि 2 से 4 के बीच में जो प्रक्रिया 4 बार होनी चाहिए थी वो 3 बार ही होती है। ये हमें अच्छे से, हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब हम बात करें 90 डिग्री या समकोण के बारे में, तो ध्यान से समझिए समकोण को। समकोण के अंदर भी देखिए कितने हैं केस फर्स्ट क्या है, एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 से 2 के बीच 90 डिग्री का कोण या समकोण कितनी बजे मिलेगा, या ज़्यादा बढ़िया होगा कि हम बोलें कि समकोण कितनी बजे मिलेगा। 1 से 2 के बीच में आपको समकोण कितनी बजे मिलेगा, ये तो पता है आपको कि 1 से 2 के बीच में 2 बार मिलेगा। तो आपको ये भी समझ में आती है बात कि यहाँ पर 1 नहीं 2 टाइम आएंगे, यानी कि 2 आपके आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 2 के बीच में समकोण कितनी बजे मिलता है। तो अगर हम इस बात को समझें तो घड़ी से समझते हैं, 1 से 2 के बीच में शुरुआती कोण निकालने का तरीका वही रहेगा। 1 बजे एंगल कितना, तो 1 बजे एंगल होगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का। अब ध्यान से समझते चलना बात को कि ये 90 डिग्री आपको किस तरह से मिलता है। चलिए इसको हटा देते हैं और हम आपको एक्चुअल में मूव करा के बताते हैं।
ये लीजिए, ये 1 बजे का समय है। अब ध्यान से समझना, ये 1 बजे का समय है, 30 डिग्री का कोण है, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। ये चलना शुरू किया, ये बजी 1:15, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर ये 1 बजे, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो ये तो स्लो चलेगा, ये कितना चलेगा, तेज चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से चलना शुरू हुआ, इनका ओवरलैपिंग हुआ, हमें ओवरलैपिंग से मतलब नहीं है। तो ये अब क्या करेगा, ओवरलैपिंग के बाद में लीड लेगा, ये बजा 1:15, ये बजा 1:15 से आगे 1:30 बजने से कुछ मिनट पहले, आप देख सकते हैं 1:30 बजने से कुछ मिनट पहले ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको पहला समकोण नज़र आ रहा है। अब बात करें मूवमेंट की, कितना आपने चला है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री से 0 डिग्री, क्योंकि बीच में 0 का अंतराल आया ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री से 0 डिग्री और 0 से कितना 90 डिग्री आपने मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। ये तो था पहला समकोण। दूसरे समकोण की बात करें, दूसरा समकोण और मिलेगा, हम दोनों को ही निकाल रहे हैं पहले, तो दूसरा समकोण कैसे मिलेगा, फिर से समझिए बात कि यहाँ पर ये सब, ये 1 बजे था, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये 1:15, ये 0 डिग्री हुआ, 30 से 0, फिर ये 1:15, ये 1:30 बज गया है, ये 1:45 हो गया है, और 1:45 के बाद 2 बजने से कुछ मिनट पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दूसरा समकोण देखने को मिल रहा है, ये इधर से समकोण देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट कितना हुआ है, तो दूसरा जो समकोण है उसके लिए मूवमेंट कितना हुआ है कि 30 डिग्री शुरुआती कोण से 30 से 0 और 0 से कितना चले हो 270 डिग्री आप चले हो। क्लियर है बात? तो कितना कितना मूवमेंट किया है, 30 से 0, 0 से 90 और 30 से 0 और 0 से 270 डिग्री, ये दो तरह के आपने मूवमेंट लिए हैं। आगे का काम बस यही, यहाँ तक का काम इंपॉर्टेंट है, बाकी वो काम आपको आगे का वही करना है जैसे अपन अभी पुराना काम कर रहे थे। इस समय अंतराल में कितना आपका टाइम है, तो 30 से 0, 0 से 90, क्योंकि 0 के दोनों अलग अलग तरफ हैं, तो क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होने पे अंतर कितना आएगा 120 डिग्री, और इसकी वजह से जो टाइम बनेगा, इसकी वजह से जो टाइम बनेगा वो टाइम कितना बनेगा, 120 का जस्ट डबल, 120 का जस्ट डबल 240 और 240 बटा 11, 120 का डबल 240 बटा 11। तो पहला जो समय आएगा वो कितना आएगा, 1:240/11, ठीक है। दूसरे समय की बात करें, अगर पहले इसको अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो कितना आएगा, 1:11/22 और 21 सही 9/11, ये पहला समय अंतराल आएगा, ठीक है, 11/22 आएगा और 20 और 21 सही 9/11। दूसरे समय की बात करें तो यहाँ पर देखो कितना गैप है, तो यहाँ पर गैप है 30 से 0 और 0 से 270 डिग्री, तो ये गैप है 300 डिग्री का, 300 डिग्री का गैप है। अगर ये 300 डिग्री का गैप है तो टाइम कितना लगेगा, तो आपको पता है क्या करना है, 300 का डबल 600/11, 300 का डबल 600/11 और 600/11 को आप क्या लिख सकते हो, तो 11×55 फिर 54 सही 6/11। तो दूसरा जो समय आएगा वो कितना आएगा, 1:54 सही 6/11, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। तो जो दो समय आए हमारे पास में, एक था 1:21 सही 9/11 और दूसरा जो समय आया वो आया 1:54 सही 6/11। इन दो समय पर आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, तो ये गैप होगा 32 सही 8/11। यहाँ तक की बात जिन बच्चों के नहीं समझ में आई है, इस वीडियो को पॉज करके वापस इसे रिवाइंड करके देखें यहाँ तक की चीज़ को, कि ये चीज़ किस तरह से हुई है। एक बार में नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, इसे वापस रिवाइंड करके देखिए। अब हम इसी के ऊपर आगे 2-3 केस और डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर फिर भी ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो ये बात उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। केस फर्स्ट था 1 से 2 के बीच में, और केस फर्स्ट में आपने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी वो क्या थी, वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो शुरुआती कोण था 30 डिग्री, वो 30 डिग्री 90 से भी छोटा था और 270 से भी छोटा था। जो हमारा केस फर्स्ट था उसमें ये जो एंगल थीटा था, ये जो शुरुआती कोण था, उस शुरुआती कोण को थीटा से नाम दे रहे हैं अपन, तो वो थीटा जो था वो 90 डिग्री से क्या था, कम था, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। ये था केस फर्स्ट। अब आता हूँ केस सेकंड के ऊपर। मुझे पता है कई बच्चों की ये बात नहीं समझ में आई है, पर अभी जब मैं 2 केस और डिस्कस करूँगा तो ये बात बिल्कुल 100% आपके समझ में आ जाएगी। केस सेकंड के अंदर, केस सेकंड के अंदर अब समय है 4 से 5 के बीच 90 समकोण निकालना, 4 से 5 के बीच समकोण निकालना।
चार से पाँच के बीच समकोण निकालना है, प्रोसीजर क्या रहेगा अब ध्यान से समझना। चार से पाँच के बीच में जब आप एक समकोण निकालने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको घड़ी बनाकर समझा रहा हूँ, फिर ये बिना घड़ी घड़ी के ही हमें ये काम करना है। और ये इतनी चीज़ें हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि क्वेश्चन को करते समय ना तो हमें घड़ी बनानी पड़े ना पेन को उठाना पड़े, ठीक है। तो चार बजे एंगल कितना होगा, तो चार बजे ये कुछ इस तरह से होगी घड़ी, और ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री का। शुरुआती कोण कितना होगा 4 × 30 120 डिग्री। अब ध्यान से समझिए 120 डिग्री का कोण है ये, 120 डिग्री का कोण आज नई बात क्या है कि 120 डिग्री का कोण 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये 120 डिग्री का कोण क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये 120 डिग्री का कोण 90 डिग्री से बड़ा है, तो 120 से आप जब जीरो की तरफ जाओगे, 120 से जब जीरो की तरफ जाओगे तो एक 90 डिग्री आपको पहले ही मिलेगा, जैसे 180 डिग्री के अंदर हो रहा था कि अगर शुरुआती कोण 180 डिग्री से बड़ा था तो वो 180 डिग्री आपको जीरो से पहले मिल रहा था, और शुरुआती कोण अगर 180 डिग्री से छोटा था तो वो 180 डिग्री आपको जीरो के क्या मिल रहा था, बाद में मिल रहा था। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो 120 से जीरो की तरफ जाओगे तो एक 90 डिग्री आपको कहाँ मिलेगा, पहले मिलेगा, और 90 से जब आगे बढ़ोगे तो दूसरा 90 डिग्री आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बात उठती है कि यहाँ पर क्या सर 270 डिग्री पर नहीं मिलेगा क्या, तो बिल्कुल 270 डिग्री आप चल के देखें, आपको 270 डिग्री पर भी समकोण मिलेगा, परंतु वो जो समकोण मिलेगा वो समकोण आपका क्या करेगा, चार से पाँच के बीच में बोला था तो वो जो टाइम आएगा वो टाइम क्या चला जाएगा, पाँच से छः के बीच में चला जाएगा। क्लियर है बात, करके बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो ये देखता हूँ कि ये जो दो मैंने समय निकाले हैं वो किस तरह से बने हैं वो समझाता हूँ। ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये मिनट हैंड और ये आर हैंड, ये 120 डिग्री का कोण है। अब ये चलना शुरू किया मिनट हैंड ने और ये चलते चलते ये 4:05 के आसपास आप देख सकते हो पहला समकोण देखने को मिला। 120 डिग्री का कोण था, 120 से जीरो की तरफ जाते समय एक 90 आपको पहले ही मिल गया जीरो डिग्री के बनने से पहले। अब इसके बाद में यहां पर क्या होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के बाद में ये आगे निकलेगा और आगे निकलेगा ये 4:30 बजेगी, और 4:30 से आगे बढ़ते समय यहां पर आप देख सकते हो कि आपको दूसरा समकोण देखने को मिल रहा है। ये दूसरा समकोण कब देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये जीरो डिग्री का कोण बना था और जीरो डिग्री से कितना आगे चला है मिनट हैंड, 90 डिग्री। 120 से 0 और 0 से 90 डिग्री, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि दूसरा समकोण कहाँ मिलेगा, 120 से 0 और 0 से 90 डिग्री चलने पर मिलेगा। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर दो समय आएंगे वो कैसे आएंगे, एक तो मिला 120 से 0 जाते समय 90 डिग्री पहले मिलने से, यहाँ पर अंतराल कितना होगा 30 डिग्री का। अब ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ये क्या कर रहे हैं, तो 30 का डबल 60/11, अब मैं ये चीज़ डायरेक्टली बोल रहा हूँ, 30 का डबल 60/11 यानी 5 से ही 5/11, तो जो पहला समय आएगा वो आएगा 4:05 मिनट पर पहला समकोण मिल जाएगा। बात करें दूसरे समकोण की, तो दूसरा समकोण कैसे मिलेगा, तो दूसरे समकोण के लिए देखिए 120 से 0 और 0 से 90, यही चलें 120 से 0 और 0 से 90, यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में है जीरो के, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 210 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है क्या करना है, टाइम का जो भी गैप आ रहा है उसका टाइम निकालने के लिए जस्ट डबल और डिवाइड बाय 11, तो 420/11, ठीक है, 11 × 33 तो यहाँ पर 70 33 90 आएगा, 11 × 33 और 38 / 2/11, ठीक है, 38 / 2/11, तो दूसरा समय आया वो कितना आया 4:38 / 2/11 पर आपको दूसरा समकोण देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये जो समय आया है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा, तो अंतर होगा 32/8/11 का। क्लियर है बात, ठीक है। क्या होता कि अगर हम 270 डिग्री तक चले जाते, जीरो से 270 डिग्री तक चले जाते तो क्या होता, तो देखिए ये भी करके बता देता हूं कि अगर हम 120 से 0 और 0 से 270 डिग्री तक चले जाते तब देखिए 120 से 0 और 0 से 270 डिग्री, 120 से 0 और 0 से 270 डिग्री, तो कितना गैप कवर होता, तो गैप होता 390 डिग्री, और 390 डिग्री तो टाइम कितना होता, 390 का डबल यानी कि 780/11, और जब आप इसको सॉल्व करते तो ये आता 70/10/11,
और आप देख सकते हैं 70 सही 10 बटा 11, 4:70 सही 10 बटा 11। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आती कि 70 60 से बड़ा है, यानी एक घंटा कंप्लीट हो चुका है और दूसरे घंटे के 10 सही 10 बटा 11 लग चुके हैं। तो ये 4:70 सही 10 बटा 11 क्या समय के बराबर है, ये है 5:10 सही 10 बटा 11 मिनट के बराबर है। और चूंकि हमें जो पूछे थे वो 90 डिग्री किसके बीच में पूछे थे, 4 से 5 के बीच में। तो यहाँ तक की बात भी आपको क्लियर हो गई है कि अगर आपका एंगल 90 से बड़ा है परंतु 270 डिग्री से छोटा है, जैसे कि 120 डिग्री था, तो एक 90 पहले मिलेगा और एक 90 आपको बाद में मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपका 120 से जीरो की तरफ जाएंगे तो एक 90 पहले मिल गया और जीरो डिग्री के बाद एक 90 डिग्री मिल जाएगा। इस केस में 270 डिग्री जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? समझ में आ गई ये बात यहाँ तक की? ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया वो था केस फर्स्ट और केस सेकंड। अभी इसके अंदर एक केस थर्ड और बाकी है, जिस केस थर्ड के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका शुरुआती कोण 270 डिग्री से भी बड़ा होता तो क्या करते। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये जो इतना सब हमने इतना सब कुछ ये सीखा है, इसका कारण ये है कि अगर कोई भी समय आ जाए या फिर कोई भी एंगल आ जाए, वो भी हम इस टेक्निक से निकाल सकते हैं और केवल वर्बली। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जितना चीज़ आज हमने सीखा है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद में आगे की चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो अगर समय हो 2 से 3 के बीच में, तो अगर यहाँ पर 100 आपसे पूछता हूँ समकोण कितनी बजे मिलेगा, तो 2 से 3 के बीच में आप वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 बजे एंगल कितना, तो 2 बजे आपका आंसर होगा, एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या 90 से छोटा है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल 90 से छोटा है। तो क्या यहाँ पर दोनों समकोण 0 डिग्री के बाद मिलेंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल 0 डिग्री के बाद में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 60 से 0, 0 से 90 और एक बार 0 से 270 डिग्री। अब पहला समय निकालना है तो 60 से 0 और 0 से 90 दोनों 0 के विपरीत दिशा में है, ऐड कर दीजिए कितना है, 150 का दुगुना 300/11। ये पहला समय आ गया आपका कि 2:300/11 पर आपको पहला समकोण मिलेगा। दूसरा समकोण निकालना, दूसरा समकोण कैसे मिलेगा, फिर से वापस देखिए, 60 डिग्री से 0 और 0 से 270 डिग्री, तो 60 से 0 और 0 से 270 डिग्री टोटल गैप कितना हुआ, तो टोटल गैप हो गया 330। 330 का डबल कितना होगा, 660, और 660/11 करोगे कितना आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब हो गया कि 2 से 3 के बीच में जो दूसरा समकोण है वो 2:60 और 2:60 को ही आप क्या बोलते हो, 3 बजे, तो 3 बजे आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, तो आज मैंने ये जो 2 केस डिस्कस किए हैं, आप इस वीडियो को वापस एक बार फिर से देखना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ें तब उसके अंदर आप इस चीज़ से अच्छे से कनेक्ट हो सकें। और इस चीज़ को आप ऐसे मत देखना कि ये चीज़ जो है कुछ अलग ही हो गया है, या फिर ऐसा कहें कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए और ये चीज़ इतना जल्दी आंसर निकाल के देगी आपको कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई फार्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जो फार्मूले आपके फेल हो जाते हैं जहाँ पर एंगल, जैसे मान लीजिए अगर 40 डिग्री आ जाता है तो वहाँ पर ये फार्मूला फेल हो जाता है, वहाँ पर भी आपको ये समय, आपको ये टेक्निक जो है आंसर निकाल के देगी। क्लियर दोस्तों? तो अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।